Hey loves, my name is Mahiri Pandey and you can join my channel membership to support my channel. और अब टॉपिक पे आते हैं कि आप अपनी वैल्यू कैसे इंक्रीज कर सकते हो किसी की भी लाइफ में ताकि आपको भी महत्वपूर्ण फील हो. मतलब जब कोई आपकी अच्छाई की आपके अच्छे होने की कदर नहीं कर रहा होता तो उस इंसान को कैसे सीधे रास्ते बुलाएं. क्योंकि यार घर पे तो चाहे हमारी लाख बेइज्जतियाँ हो या फिर कोई हमें प्रायोरिटाइज ना करे चलता है बिकॉज आदत है. लेकिन अपने पार्टनर को कभी भी ये आदत नहीं पड़ने देना. मतलब कि वो इंसान जो पार्टनर हो सकता है या फिर है तो उनसे प्यार वैल्यू रिस्पेक्ट सब कुछ लेना. और मैं वसूल करवाती हूँ. नंबर वन, अपने टोन पे वर्क करो. जितना हम्बल क्लियर और अच्छा टोन होगा आपका, जितने अच्छे से आप अपनी बातें कन्वे कर पाओगे लोगों तक या उस एक पर्सन तक, उतने ही अच्छे से वो आपकी बातों को सुनना चाहेंगे. क्योंकि आपका टोन इतना रिस्पेक्टफुल है और इतना क्लियर है कि आप अपनी बातें समझाना चाह रहे हो अच्छे से, तो वो भी ध्यान दे के सुनेंगे. और इसलिए जब भी अपने लव्ड वन से बात करो तो एकदम लो पिच पे और अच्छे से क्लियरली बात करनी चाहिए. मतलब माइंड में सोच लो कि कोई भी बातों पे आपको जब डिस्कशन करना है तो आपको किस टाइप के वर्ड्स यूज़ करने हैं, सो दैट बोलते वक्त आपको दिक्कत ना हो और उन्हें कंफ्यूजिंग ना लगे बातें. और सेकंड चीज़, जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हो तब आपका टोन एकदम मीडियम होना चाहिए और फॉर्मल होना चाहिए, सो दैट सामने वाले पर्सन को फील हो कि ओ ये इतने अच्छे तरीके से बात कर रहा है. सो योर टॉकिंग स्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंक्रीजिंग योर वैल्यू इन समवन्स लाइफ. नंबर टू, आपके टोन के बाद आता है ओकेजनली आपका इंटेलिजेंस प्रूव करना अपना. क्योंकि वी ऑल लव हैविंग पीपल अराउंड अस जो कि थोड़े इंटेलिजेंट हो, यानी कि फ्रेंड सर्कल में भी जो बंदा बहुत इंटेलिजेंट होता है सब उसको ऐसे यू नो अमेज्ड फील करते हैं उसको लेकर कि वाओ कितना दिमाग है इसके पास, या कितने सही टाइम पे इसका दिमाग काम करता है. तो इस टाइप के लोगों की हम बहुत वैल्यू करते हैं और बुद्धू लोगों से हम प्यार भले कर लेते हैं बट वी डोंट वैल्यू देम मच. इंस्टेड वी मेक देम फील यूजलेस. तुम कराते होगे, मैं नहीं कराती, मैं अच्छी हूँ. तो समय समय पर अपने स्मार्ट मूव्स या स्मार्ट सजेशंस देते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट कैन इंक्रीज योर वैल्यू. नंबर थ्री, खुद के काम को और स्वयं को वैल्यू देकर. यू नो जब आप किसी से अगर कहोगे कि ये काम ज़रूरी है या आप ये चीज़ पहले करना चाहते हो तो वो बुरा नहीं मानेंगे. क्योंकि अब हम सब बड़े हो चुके हैं और हम सब जानते हैं कि हम सबके पास काम रहता है. एंड हम थोड़ा सा भी वक्त अगर किसी से बात करते हैं या किसी के साथ स्पेंड करते हैं तो वो अपने व्यस्त और पस्त जीवन से थोड़ा सा वक्त निकाल के ही उनको देते हैं मैनेज करके. मतलब मैं तो, मेरा बस चले मैं तो सो जाऊँ, मैं कुछ भी ना करूँ, लेकिन करना पड़ता है. यू नो अपने लिए सोचना पड़ता है और जब आप अपने लिए सोचते हो तब लोगों को अच्छा ही लगता है. आई मीन दे वोंट थिंक कि ओ ये तो सेल्फिश है ये अपने लिए सोच रहे हैं. नहीं, उन्हें अच्छा लगेगा कि ये इतना एम्बिशियस है, ये अपने काम को इतना प्रायोरिटाइज करता है, इंपॉर्टेंस देता है, मुझे भी देना चाहिए क्योंकि वो ज़रूरी है एंड उसमें कुछ गलत नहीं है. तो अपने आप को अपने कामों को प्रायोरिटाइज करोगे तो किसी को भी बुरा नहीं लगेगा. दे विल अंडरस्टैंड यू एंड दे विल वैल्यू यू मोर. और आप जितना सबको खुश रखने का कोशिश करोगे, जितना सबको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने का कोशिश करोगे ये सोच के कि आई शुड बी अवेलेबल फॉर एवरीवन, चाहे वो फ्रेंड्स हो, नॉर्मल फ्रेंड हो, फॉर्मल फ्रेंड हो, कोई कॉलीग हो या कोई भी हो, तो वो उतना ही ज़्यादा आपको वेला इंसान समझेंगे या वो मे बी आपको जज करें कि अरे ये अपना काम पर इतना ध्यान नहीं देता है, ये तो ऐसे ही मस्तीखोरी करता रहता है करके. तो लोगों का नहीं सोचने का, खुद का सोचने का. नंबर फोर, राइट यूज़ ऑफ इंटरनेट. मैं तो सोचती हूँ कि मैं कैसे जी रही थी 2015 तक जब तक मेरे पास फ़ोन नहीं था या इंटरनेट नहीं था. और उसके बाद तो अब ऐसा लगता है कि कितनी ज़्यादा ही चीज़ें मन में, जितने भी सवाल आए, डाउट्स हैं. पहले क्या होता था कि कुछ भी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन होता था हम ज़्यादा ज़्यादा अपने पेरेंट्स से पूछ लेते थे या अपने फ्रेंड से पूछ लेते थे और उससे हमारे डाउट्स नहीं क्लियर होते थे, कन्फ्यूजन और बढ़ जाता था. बट नाउ वी कैन डू रिसर्च ऑन एवरीथिंग, वी कैन नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग. हमारा डाउट जब तक नहीं क्लियर होता या जब तक जो सवाल का जवाब नहीं मिलता हम उसको सर्च करते रहते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पता चलते हैं चीज़ों के बारे में और बहुत सारी यू नो नॉलेज मिलती है. तो बस अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते जाओ, इम्प्रूवमेंट्स लाते जाओगे तो आप स्किल्ड पर्सन बनते जाओगे. एंड जितनी ज़्यादा आपको चीज़ें पता होंगी उतनी ही ज़्यादा आप वैल्यूड फील करोगे अपने आप में ही, चाहे किसी को वो चीज़ें पता हो या नहीं हो. कि आपको क्या क्या पता है, क्या बोल रही हूँ मैं, बट जो भी समझ गए ना आप.
नंबर 5, दूसरों की वक्त की कदर करें। खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए दूसरों के समय की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कामकाज करने वाला इंसान होता है उसी को समय की कीमत पता होती है। जो मतलब वेले होते हैं उनको तो पता भी नहीं चलता एक घंटे कैसे बीत जाते हैं, सिवाय इस चीज़ के कि यार अभी तो खाया था फिर से भूख लग गई। बट जो काम करते हैं उनसे पूछो कि वर्किंग आवर्स कैसे गुजरते हैं। मुझसे मत पूछना, मैं नहीं करती वैसा वाला काम, बट मैं दूसरों के समय की कदर बहुत करती हूँ और मैं हेल्प लेने से हमेशा बचती हूँ। और इसी चक्कर में मैं बहुत परेशान भी हो जाती हूँ, बिकॉज आई ट्राई टू डू ऑल द थिंग्स बाय माई सेल्फ, लेकिन बहुत कुछ सीखने भी मिलता है इसी वजह से। सो एट द एंड ऑफ द डे इंडिपेंडेंट फील होता है और आपकी नॉलेज बढ़ती है और आप ज़्यादा स्किल्ड पर्सन और एकदम पॉलिश पर्सन बनते जाते हो बिना किसी और को डिस्टर्ब किए। सो अवॉइड टेकिंग हेल्प जब तक बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है आपके काम में। नंबर 6, जब गर्ल्स अपनी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बता रही होती हैं तो उनको सोल्यूशन मत दो। और ये वाला बात मैंने खान सर के वीडियो में सुना है, नहीं मैं उनके वीडियोस नहीं देखती हूँ। अब आप सोचोगे वीडियो नहीं देखती तो क्या खान सर तुम्हारे सपने में आके बोले? नहीं, लेकिन ना एक मतलब किसी और ने डाला था वो कॉन्टेंट, उनके क्लिप का छोटा सा पार्ट जो मैंने देखा शॉर्ट्स में, और मेरे को बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगा। आई मीन इट वॉज समथिंग दैट मैं कितने टाइम से कन्वे करना चाह रही थी कि मतलब ये चीज़ है, बिकॉज मैं ऐसी चीज़ें बताती हूँ। बट वो बहुत सही लगी कि गर्ल्स जब अपनी कोई इमोशनल या सैड फीलिंग या कुछ वरेड है किसी चीज़ के बारे में वो आपसे डिस्कस कर रही होती हैं या बता रही होती हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्यूशन नहीं सुनना चाहती। मत दो सॉल्यूशन, ऐसे मत बोलो कि सब ठीक हो जाएगा। उसको बस ये चाहिए कि आप उसके साथ रहो एंड उसका जो फीलिंग है ना उसको जस्टिफाई करो कि यस, मतलब अगर आप उनको ऐसे बोलोगे कि हाँ लाइफ है, ऐसे ऐसे तो फील होता रहता है, यू विल फील बेटर थोड़े टाइम बाद, या ध्यान मत दो इस चीज़ पे, इसको इग्नोर करो, तो उसको नहीं अच्छा लगेगा, वो नहीं चाहती। वो बोलोगे कि सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, वो नहीं चाहती सब ठीक हो जाए। उसको इस पर्टिकुलर मोमेंट में ठीक नहीं फील करना है, उसको बस अपनी फीलिंग्स को जस्टिफाई करना है, जो कि तभी होगा जब आप उसको सुन लोगे और कह दोगे कि वो इतने सारे इमोशंस को डील करती है तो इसको भी कर लेगी, शी इज़ वेरी स्ट्रांग और मैं हूँ तुम्हारे साथ, यू कैन डू इट, यू विल सॉल्व इट, जस्ट हैव पेशेंस एंड कीप ट्राइंग। और बस इतना ही, मतलब कि ये थोड़ा सा जो मोटिवेशन होता है ना उसकी थोड़ी सी तारीफ की तुम बुद्धिमान हो, बलशाली हो, बलवान हो और एकदम बाहुबली हो और यू कैन सॉल्व एनीथिंग, यू कैन डू इट करके, बस इतना ही सही होता है और कुछ नहीं। और ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँ या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। शी डोंट वॉन्ट यू टू सॉल्व एनीथिंग। नंबर 7, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। मनी मेकिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नॉलेज गेन करो, बिकॉज इट्स नॉट ईजी एंड डिफिकल्ट। चीज़ें करने वाले लोग ही तो कूल होते हैं और अमीर भी, मतलब हमें पता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, मतलब वी फील कि हाँ संतुष्टि रखनी चाहिए, भगवान जी सब कुछ है वो मेन चीज़ है, बट दुनिया को तो लगता है ना कि पैसा मेन चीज़ है। सो वेन यू नो अबाउट इन्वेस्टमेंट्स एंड मनी मेकिंग, पीपल रिस्पेक्ट यू मोर एंड यू नो, हमें अगर सही चीज़ पता है कि भगवान जी सब कुछ है तो अपनी आसक्ति उनमें रख के पैसे कमाने में भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इट प्लेज अ बिग रोल इन बिल्डिंग योर इम्पोर्टेंस इन समवन्स लाइफ। सो संसार में रहना है तो संसारिक चीज़ें तो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी ना। ये कंटेंट ख़त्म हो गया, और मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, लेकिन मैं थक जाती हूँ बोल बोल के, इट टेक्स वे टू मच ऑफ माई एनर्जी। एंड ये कमेंट शॉर्ट आउट करके वीडियो एंड करती हूँ। रिव्यूज हैग्रीड, कितना बकवास प्रोनाउंस कर रही हूँ मैं, मुझे नहीं आ रहा आपके यूज़र नेम को प्रोनाउंस करना, इट्स ओके। तो सच में पांडे लोग बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं, ओ ऐसा कुछ नहीं है आप मुझे ऐसे चढ़ाने के लिए बोल रहे हो, बस कुछ लोग ही होते हैं जिनको अपने मन से ज़िंदगी जीने का अवसर मिले, बात तो सही है। एनीवे, यू आर ट्रू जीनियस मयूरी, ओ थैंक यू, द चूजन वन, ओ थैंक यू। राजीव गोयल का कमेंट है, राजीव गोयल मुझे, आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो मुझे याद है, मैं आपको अपने बहुत पुराने वीडियो में भी आपको दे चुकी हूँ शॉर्ट आउट, बट कोई ना अभी भी दे रही हूँ। आई सॉ योर वेरियस वीडियोज, यू आर अ ऑनेस्ट फेथफुल ब्यूटिफुल स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग गर्ल, इट इज़ ट्रू दैट एवरी पर्सन लाइक्स एंड लव्स यू, ओह थैंक यू। एंड उन 11 लोगों को थैंक यू जिन्होंने लाइक किया है इनके कमेंट का, सो या थैंक यू, मुझे बहुत स्पेशल फील हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ, एंड आई एम सो 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 ग्रेटफुल कि आप सब मुझसे इतना प्यार करते हो और
मुझे और ज़्यादा प्यार चाहिए, मेरे वीडियोस को शेयर करो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो और मेरी यूट्यूब फैमिली को बड़ा कर दो। थैंक यू। गंदा बोला मैंने, दोबारा बोलती हूँ।